वंस अगेन वेलकम बैक माई चैनल। आज मैं फिर अपनी प्यारी बहनों के लिए नए दिन के आगाज के साथ नई और प्यारी प्यारी जीरो कॉस्ट हैक टिप्स लाई हूँ, जो कि आप जीरो कॉस्ट में अपने घर में प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकती हैं और जीरो कॉस्ट में फ्री में ऑर्गेनाइजर घर में तैयार करके अपने तमाम तो क्लचेस अपने कपड़े वगैरह संभाल कर रख सकती है। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 5 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें हमारे घरों में शामिल है। तो आज की सबसे पहली और फर्स्ट नंबर टिप ये है कि हमारे घरों में इस तरह से पॉलीथीन बैग तो जरूर आते हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यकीन करें, इससे इतने मजबूत शॉपर होते हैं कि इससे हमारी ना सिर्फ जिंदगी आसान हो जाती है बल्कि हमारा ढेरों ढेर सामान इसके अंदर सेव होकर महफूज हो जाता है। आज कल सर्दियों का मौसम जाने वाला है, तो हमें चाहिए कि अपने तमाम तरह सर्दियों के कपड़े इसी तरह इस छोटे छोटे प्यारे प्यारे बैगों में इसे संभाल कर पैक करके रख दे। तमाम तरह बच्चों की कैप, सॉक्स, मोटे मोटे कपड़े, शॉर्ट्स वगैरह इसको कवर करके इसकी डबल फोल्डिंग करके रख दे। यकीन करें, साल हर साल ना तो इसकी तय खराब होगी और ना ही इसके ऊपर कोई मट्टी और डस्ट वगैरह जमेगी। या फिर इसको आप अपने टीची बैगों वगैरह में रख दो या फिर आप अपनी पेटी में संभाल कर रख दो। यकीन करें, ये आपको अगले साल तक कपड़े बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मिलेगी या इनकी गिरा लगाकर आप महफूज कर सकते हैं। अगर टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरी डेली अपलोड होने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलेगी। तो टिप नंबर 2 ये है कि इस तरह के बैग्स तो हर घर में होते हैं, तो हमें चाहिए कि इनके बैग में अपने बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स वगैरह, शूज वगैरह, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने किचन में भी, अपने डेली वर्क में भी यूज कर सकते हैं। अपने रोटियों के रुमाल उसी के साथ ही देखिए, इसी तरह के जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं पॉलीथीन बैग, इसी पॉलीथीन बैग का एक आप प्यारा सा छोटा सा बैग ऑर्गेनाइजर तैयार करके और इसी बैग के अंदर तमाम तरह बैगेज को संभाल कर रखें। इससे ना तो आपके बैग्स खराब होंगे ना ही कहीं से फटेंगे। यकीन करें, इन पर कोई भी डस्ट को मट्टी घट्टा नहीं जमेगा। अगर टिप पसंद आती है तो आप चैनल को यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका क्या जाता है, हमें मोटिवेशन मिल जाती है, हम आपके लिए कैसी वीडियो बना रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी की तरह जो प्यारी बहन मेरी सपोर्ट कर रही है, उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे। तो इसमें देखो कितनी ज्यादा ढेरों ढेर मैंने इसी तरह के पॉलीथीन बैग संभाल कर रख दिया। जब भी मुझे जरूरत होगी इसी में से लेकर इस्तेमाल में ले आऊंगी। अगर टिप पसंद आती है तो आप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा मोटा नन्ना मुन्ना मैसेज भी कीजिएगा ताकि आपकी प्यारी बहन की हौसला अफजाई हो सके। तो आज की टिप नंबर 4 ये है कि इस तरह के आजकल रमजान का सीजन है और घी तो हर घर में बहुत ज्यादा मिकदार में आता है और साथ ही इसके इस तरह से बॉक्सेस भी मौजूद होंगे। हम करते क्या है कि इन्हें या तो फिर रद्दी में बेच देते हैं या फिर इसको बस फिर ऐसे ही फाड़ फूड़ कर फेंक देते हैं। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत करना है, इनको नीचे से अच्छी तरह से फिक्स करके इसके ऊपर कोई भी आप पॉलीथीन बैग चढ़ा कर यकीन करें बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकती हैं। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट है, इसे ना सिर्फ आपके प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर घर में बिल्कुल जीरो कॉस्ट में तैयार हो जाएंगे बल्कि आप मुझे दुआएं देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप इसके ऊपर इस तरह पॉलीथीन बैग को चढ़ा दे और यकीन करें इतनी जबरदस्त टिप है कि आपको ये मेरी टिप जरूर पसंद आई होगी। और इसी की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रमजान में बारीकी प्यारे प्यारी दुआओं में मुझे भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हमारी प्यारी बहनों को भी इन छोटी छोटी टिक्स और जीरो कॉस्ट हैक का पता चल सके ताकि वो भी अपनी जिंदगी आसान बना सके। देखिए, प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना के आप इसे अपने अलमारी वगैरह में, अपने डिवाइडर वगैरह के पास इधर उधर रख सकते हैं। यकीन करें, इसके अंदर बच्चों की आप किताबें वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अलावा बच्चों के कपड़े वगैरह भी इसके अंदर रख कर। और यकीन करें, इसमें ना तो तय खराब होगी, महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन इस तरह से मजबूत और सालों साल चलने वाला ऑर्गेनाइजर आपको फ्री में आपके घर में तैयार करने का है ना जबरदस्त तरीका। इस तरह से आप प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर बनाए, अपनी जिंदगी को आसान बनाए। इसमें मैंने अपने छोटे बेबी के कपड़े बिल्कुल प्यारी तरीके से तय लगा के रख दिया। यकीन करें, ना तो कपड़ों की तय खराब होगी और ना ही बिखरा बिखरी अलमारी लगेगी। तो इस तरह टिप पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए, एक दफा मेरे कहने पर आप इसे जरूर बनाइएगा और मुझे दुआएं भी दीजिएगा। तो इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और मजबूत किस्म का ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसके अंदर हम अपने छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह भी तय लगा कर रख सकते हैं, इसे वार्डरोब में कहीं भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं। और प्यारी बहनों, मैंने इसी तरह का एक और ऑर्गेनाइजर भी
तैयार किया है जो कि मैंने अपने क्लचेस हैंडबैग्स वगैरह रखने के लिए मैंने इस ऑर्गेनाइजर को तैयार किया है, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हमारा जबरदस्त किस्म का मजबूत और जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है। तो काइंडली अगर मेरी प्यारी बहनों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी प्यारी बहन को मोटिवेशन मिल जाए, यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, हमें पता चलता है हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। तो इसी की तरह आप भी इन छोटी छोटी टिप्स और हैक को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया करें, अपनी जिंदगी को आसान बनाया करें, अपने घंटों के कामों को मिनटों में करने की आदी हो जाए, अपने घर वालों और अपने प्यारे बच्चों के लिए भी खसूसी टाइम निकाला करें। ये देखें कितने जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और ये जहाँ भी रखूंगी यकीन करें वहाँ पर रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और कपड़े भी तमाम तो सिमटे रहेंगे, कोई भी कपड़ा भी नहीं बिखरेगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कार्डबोर्ड है तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर तैयार करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लेने की क्या जरूरत है। ये देखिए ये मेरे पंखे का बॉक्स था तो मैंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं इसको इसी के अंदर एडजस्ट करके रखूंगी क्योंकि ये साइज़ में भी बड़ा है, मेरे तमाम तर बैग्स वगैरह भी इसके अंदर बआसानी तरीके से आ जाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। तो मेरी प्यारी बहनों आप भी अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल किया करें, रमज़ान मुबारक की प्यारी दुआओं में मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा और जो प्यारी बहनें मुझे प्यार प्यार मैसेजेस करती हैं उनके प्यारों मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतनी प्यार मोहब्बत देती है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं अपनी तमाम तर प्यारी प्यारी बहनों की बहुत और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार प्यार दे रही हैं, मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस करती हैं, बहुत हौसला अफजाई करती हैं। तो अल्लाह पाक उन सब प्यारी बहनों को अपने घरों में खुश आबाद रखे। देखे कितने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।